प्यारे बच्चों आदाब, उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। तो चलिए हम अपने टॉपिक को आगे बढ़ाते हैं। कल हमने नरेशन जो हमारा रहता है थोड़ा बहुत इसका टर्न वन का, उसको हमने आगे बढ़ाया था। कल हमने इम्परेटिव सेंटेंसेस किए थे दो। मैंने आपको कल समझाया था कि इम्परेटिव सेंटेंसेस में आता है एडवाइस, रिक्वेस्ट, ऑर्डर, सजेशन। इसमें एक और चीज़ आता है जिसको हम कहते हैं फॉरबिड। ठीक है, फॉरबिड मतलब होता है मनाही करना। यानी जिस सेंटेंस में वर्ड आएगा डोंट, डोंट या डू नॉट, ठीक है, वहाँ पे आपको क्या लगाना है, वहाँ पे आपको फॉरबिड लगाना है, या आपकी मर्ज़ी है। आप फॉरबिड भी लगा सकते हो और आप एडवाइस भी लगा सकते हो। ठीक है, तो अब मैं आपको प्रैक्टिस सेंटेंसेस बता रही हूँ इंट्रोगेटिव टाइप के और इम्परेटिव टाइप के, ताकि आपको थोड़ी बहुत प्रैक्टिस हो जाए। तो पहले हम इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस कर लेते हैं, जो मैंने आपको परसों पेज भेजा था। मुझे उम्मीद है कुछ बच्चों ने उसमें ट्राई किया होगा। अगर किसी ने ट्राई किया है तो वो टैली कर ली कि उनके सेंटेंसेस ठीक है कि नहीं है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे आंसर लिख रही हूँ। राजेश सेड टू हिज फादर, व्हेन विल यू कम होम। ठीक है, तो सबसे पहले हम लिखेंगे, सेड टू को चेंज करेंगे हम आस्क्ड। राजेश आस्क्ड हिज फादर। उसके बाद मैंने आपको कहा जब व्हेन हो, डब्ल्यू एच वाले हो, तो उसको ऐसे रखना हमने, व्हेन विल यू कम होम, विल यू कम होम। ठीक है, यू है जो, यू जो है सेकंड पर्सन है, जाएगा किसके हिसाब से, फादर के हिसाब से, तो यहाँ पे आएगा ही, और विल का पास्ट हो जाएगा वुड, कम होम। इसी तरह दूसरा सेंटेंस है, द मैन सेड विच इज़ द वे टू द गार्डन। द मैन आस्क्ड विच ये सीधा ही है, विच इज द वे, विच द वे वॉज टू द गार्डन। तीसरा सेंटेंस है, द टीचर आस्क्ड द स्टूडेंट्स व्हाई आर यू लेट। यहाँ पे आस्क्ड उधर से ही दिया हुआ है, तो हम आस्क्ड को चेंज नहीं करेंगे। ठीक है, द टीचर आस्क्ड द स्टूडेंट्स वाई, देखिए यू जो है, यू है किसके हिसाब से, बच्चों के हिसाब से, सेकंड पर्सन। ठीक है, क्योंकि स्टूडेंट्स एक से ज़्यादा है, तो यहाँ पे आएगा दे, और आर का पास्ट है वर, वाई दे वर लेट। आगे चलते हैं, द ट्रैवलर आस्क द ड्राइवर हाउ फार द पार्क इज टू द मार्केट। तो यहाँ पे आंसर आ जाएगा, द ट्रैवलर आस्क्ड द ड्राइवर हाउ फार द पार्क वॉज टू द मार्केट। नेक्स्ट सेंटेंस, अमित सेड टू अस, अमित आस्क्ड अस वेयर, शाबाश, वी जो है ये फर्स्ट पर्सन है प्लूरल में, यानी यहाँ पे दे आएगा, आस्क्ड अस। अब देखिए यहाँ पे क्या है, हाँ देखिए यहाँ पे अमित ने हमसे कहा, व्हेन विल वी गो। ठीक है, अब देखिए ये वी जो है किसके साथ मैच कर रहा है, ये फर्स्ट पर्सन है, फर्स्ट पर्सन का प्लूरल है, तो जाएगा किसके साथ, अमित के साथ। ठीक है, तो क्या आ जाएगा यहाँ पे, अमित आस्क्ड सेड टू अस व्हेन, व्हेन विल वी गो फॉर ए पिकनिक। अमित ने हमसे कहा कि हम कब जाएंगे हम, ठीक है ना, व्हेन यहाँ पे वी जो है, वी फर्स्ट पर्सन के हिसाब से वी आ जाएगा, व्हेन
वी वुड, इसमें चेंज नहीं आएगी, ठीक है। व्हेन वी वुड गो फॉर ए पिकनिक, अमित ने हमसे कहा कि हम कब पिकनिक जाएंगे। अमित सेड टू अस व्हेन विल वी गो फॉर ए पिकनिक, अमित ने हमसे कहा, फर्स्ट पर्सन है तो यहाँ पे फर्स्ट पर्सन में चेंज आएगी किसके हिसाब से, अमित के हिसाब। अब अमित के साथ और भी कोई हो सकता है। अमित ने हमसे कहा, ठीक है, व्हेन विल, हम कब जाएंगे, हम पिकनिक कब जाएंगे। अमित ने हमसे कहा हम कब पिकनिक जाएंगे। तो अब देखिए यहाँ पे इन्होंने थोड़ा कन्फ्यूजिंग ये सेंटेंस है, इसमें वी लगाया हुआ है, वी फर्स्ट पर्सन है, तो फर्स्ट पर्सन मैच करता है किसके साथ, अमित के साथ। तो अमित जो है यहाँ पे सिंगुलर है, लेकिन हम इसको एज मानेंगे क्योंकि इसको हमने इसके हिसाब से मैच करना है। अगर सच माने तो इस सेंटेंस को हमने मैच करना है किसके हिसाब से, अस के हिसाब से। तो यहाँ पे आना चाहिए था यू, समझ आ रही है। इस सेंटेंस में ही कुछ गड़बड़ है, सेंटेंस में ही थोड़ा बहुत कुछ प्रॉब्लम है। यहाँ पे एक्चुअली सेंटेंस ऐसे आना चाहिए, व्हेन विल यू गो फॉर ए पिकनिक। अब देखिए यहाँ पे इसे व्हेन विल वी मीन्स कि आप और हम, आप और हम कब पिकनिक जाएंगे, हम सब कब पिकनिक जाएंगे। अगर अब हम सब है तो हम सब का वी आएगा, और अगर हम, अमित ने हमसे पूछा कि तुम कब पिकनिक जाओगे, तो वहाँ पर भी यू जो है वो सेकंड पर्सन है, वो जाएगा किसके हिसाब से, ऑब्जेक्ट के हिसाब से। तो यू का जो है ऑब्जेक्टिव फॉर्म जो है आ जाएगा, ये नॉमिनेटिव फॉर्म आएगा वी, तो यहाँ पे वी ही रहेगा, दोनों सूरतों में वी ही रहेगा, ठीक है। क्योंकि सेंटेंस में आना चाहिए था यू, लेकिन इसने अब क्या कहा है कि हम सब, आप नहीं, आप कब पिकनिक जा रहे हो, ये नहीं, हम सब कब पिकनिक जा रहे हैं या हम कब पिकनिक जा रहे हैं, तो यहाँ पे वी ही रहेगा, ठीक है। मुझे उम्मीद है आपको समझ आई होगी। द शॉपकीपर आस्क्ड हर, शॉपकीपर ने उससे कहा, द शॉपकीपर आस्क्ड हर, ज़रा इसको हम हटा देते हैं वर्ड को, क्योंकि अभी हमारे पास बहुत सारे ऐसे सेंटेंसेस हैं जो डब्ल्यू एच वाले ही हैं, ऑक्सिलरी वाले कोई नहीं है। अब यहाँ पे ऑक्सिलरी वाला एक मैं ले लेती हूँ, डू वाला, डू यू वॉन्ट टू बाय, डू यू वॉन्ट टू बाय। अब यहाँ पे थोड़ा सा, क्योंकि व्हाट डू यू वॉन्ट टू बाय, तुम क्या ख़रीदना चाहते हो, अब मैंने व्हाट काट दिया, तो मैं इसको सेंटेंस को थोड़ा चेंज कर लूँगी, डू यू वॉन्ट टू बाय एनीथिंग, इसको ऐसे लिखेंगे, उसके बाद हम इस सेंटेंस को चेंज करेंगे, ठीक है। अब देखिए डू जो है ये प्रेजेंट है, तो यहाँ पे क्या आएगा, यू जो है, यू किसके साथ मैच करेगा, हर के साथ, यानी द शॉपकीपर आस्क्ड हर इफ़ शी वांट का आ जाएगा वांटेड टू बाय एनीथिंग। ब्रिज आस्कड चंदू, ब्रिज आस्कड चंदू, व्हाट वर यू डूइंग लास्ट नाइट, व्हाट यू जो है सेकंड पर्सन चंदू के साथ, यानी ही वाज डूइंग लास्ट नाइट रहेगी, ठीक है। इसको हम प्रीवियस, हाँ द प्रीवियस नाइट लिख सकते हैं, द प्रीवियस नाइट। ब्रिज आस्क चंदू व्हाट वाज ही डूइंग द प्रीवियस नाइट। इसी तरह आगे चलिए, मम्मी आस्क्ड मी डू यू नीड एनीथिंग फ्रॉम द मार्केट। अब देखिए ये ऐसा ही सेंटेंस है जैसे हमने यहाँ पे एक चेंज किया था, तो यू जो है किसके हिसाब से आएगा, आई के हिसाब से, यानी आई आस्क्ड मी, पहले इफ़ लगाएंगे हम, इफ़ आई नीड एनीथिंग, नीड का सेकेंड फॉर्म क्या है, नीडिड, तो नीडिड ही आएगा यहाँ पर, आई नीडिड एनीथिंग फ्रॉम द मार्केट, मम्मी आस्क्ड मी इफ आई नीडिड एनीथिंग फ्रॉम द मार्केट। आगे चलिए, दीपू सेड टू हिज सिस्टर, दीपू ने अपनी बहन से कहा, दीपू आस्क्ड हिज सिस्टर, वाई आर यू, यू मीन सिस्टर के हिसाब से, वाई शी
वॉज सिटिंग देयर, हेयर का बन जाएगा देयर। अब लास्ट है शॉपकीपर वाला, द प्रिजनर, सॉरी प्रिजनर वाला, द प्रिजनर आस्क्ड द गार्ड, द प्रिजनर आस्क्ड द गार्ड इफ यू, यानी गार्ड के हिसाब से, इफ ही वुड लेट मी, जो है प्रिजनर के हिसाब से यानी हिम, गो। इफ ही वुड लेट हिम गो। ये हमारे इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस थे। अब मैंने इंपरेटिव सेंटेंसेस आपको 12 भेजे हुए हैं, उनमें से मैंने 6 सॉल्व किए हुए हैं, 6 आपको मैंने सॉल्व करने के लिए दिए हैं, आप खुद उनको ट्राई कर लीजिएगा। द मास्टर सेड टू हिज सर्वेंट ब्रिंग मी ए न्यूज़पेपर, मास्टर ने यानी मालिक ने नौकर से कहा अखबार ले आओ, यानी मालिक क्या करेगा। द मास्टर ऑर्डर्ड हिज सर्वेंट टू ब्रिंग हिम, मी जाएगा किसके हिसाब से, मास्टर के हिसाब से, ए न्यूज़पेपर। इसी तरह नेक्स्ट देखिए, सिट डाउन एंड लर्न योर लेसन बॉय सेड द टीचर, टीचर ने बच्चों से कहा नीचे बैठो और अपना लेसन लर्न करो, यानी द टीचर ऑर्डर्ड द बॉयज टू सिट डाउन एंड लर्न योर का आ जाएगा किसके हिसाब से, बॉयज के हिसाब से, यानी लर्न देयर लेसन। इसी तरह नेक्स्ट हम देखेंगे, शी सेड टू मी प्लीज़ वेट मी हेयर टिल आई रिटर्न। अब प्लीज़ मीन्स शी रिक्वेस्टेड मी, ठीक है, प्लीज़ का मतलब है रिक्वेस्ट करना, शी रिक्वेस्टेड मी टू वेट देयर, हेयर का बन जाएगा देयर टिल। अब देखिए आई किसके साथ जाएगा, फर्स्ट पर्सन, तो शी कैसे, यानी टिल शी रिटर्न, टू वेट हियर एंड टिल शी रिटर्न, ये टू जो है टू के साथ आगे फिर सेकेंड फॉर्म नहीं आती, टिल शी रिटर्न। द टीचर सेट द बॉयज डू नॉट प्ले एट दिस टाइम। अब देखिए डू नॉट है ना, डू नॉट का मैंने आपको कहा था फॉरबिड, एक हम फॉरबिड के हिसाब से करेंगे और एक हम एडवाइस के हिसाब से करेंगे। द टीचर फॉरबिड सेकंड फॉर्म, ठीक है, क्योंकि सैड है तो सेकंड फॉर्म, फॉरबिड द बॉयज टू प्ले एट दिस टाइम, यहाँ दिस का आ जाएगा दैट, एट दैट टाइम। आगे नेक्स्ट भी ऐसा ही है, तो ये फादर है, द फादर, अब देखिए फादर का हम लिखेंगे सन के साथ, एडवाइस करेंगे हम, ठीक है, यहाँ ऑर्डर कर सकते हैं, एडवाइज ही कर सकते हैं, द फादर एडवाइज्ड हिज सन नॉट टू ड्राइव फास्ट, द ओल्ड मैन सेड प्लीज पे मी इन कैश, द ओल्ड मैन रिक्वेस्टेड टू पे हिम इन कैश।